देखिए कुछ हमारे ऐसे बड़ा पाव बने हैं, देखिए कितने डिलीशियस बड़ा पाव है हमारा। ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ इंजॉय कीजिए बड़ा पाव, फेमस बना है देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ा पाव की रेसिपी। ये है बड़ा बहुत सॉरी पाव, और हमने आलू बनने रख दिए हैं। ये देखिए ये बड़े बहुत पाव हमने आलू बनने रख दिए हैं देखिए। और फिर हम आलू बनने के बाद छीलेंगे और फिर उसकी स्टफिंग बनाएंगे। तो प्लीज़ बने रहें, पहले उसका घोल बना लेते हैं बेसन का, प्लीज़ बने रहें। तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम उसकी घोल बनाते हैं बेसन का। तो ये हमने एक कप के करीब बेसन ले लिया है, तो वो इसमें थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे स्वाद अनुसार। हल्की मिर्ची मतलब तेज हो तो हल्की डालें, ना तो बाकी अपने हिसाब से डालें। थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, अब घोल को अच्छे से मिलाएंगे। सॉरी सिस्टम नहीं बैठ पा रहा। अब पानी डाल के अच्छे से घोल बना लेंगे गाढ़ा। फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे हमारा गोल अच्छे से तैयार हो गया। अब रख देते हैं रेस्ट के लिए। ये हमारा घोलन का रेडी है, थोड़ा सा हम इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। प्लेट बने हैं, अभी थोड़ी थोड़ी लम्स पड़ रही हैं, हम उसे अच्छे से सही कर देंगे। प्लेट बने हैं, तो फैन थोड़ा सा सोडा रह गया था डालने के लिए, हमने थोड़ा सा सोडा डाला है। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर रख देंगे रेस्ट के लिए। देखिए हमारा गाढ़ा घोल बनकर रेडी है, थोड़ी लम्स हैं इसमें, हम बाकी कर देंगे रखे हुए, बाद में फेंट देंगे अच्छे से, तो बढ़िया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बने रहें। तो देखिए हमारा घोल बनकर रेडी है, हम इसको थोड़ा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इतने आलू उबलने का इंतजार करते हैं, प्लीज़ बने रहें। हेलो 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 हेलो, तो अब हम अपनी चटनी तैयार करते हैं। तो हमने ये थोड़ा सा अदरक ले लिया है, दो हरी मिर्च ली है, ये थोड़ा सा धनिया चटनी के लिए। अब हम सिल पे पीसेंगे देसी स्टाइल में। अपनी चटनी पीस ली, मिक्सी जार हमारा खराब हुआ है तो मिक्सी मैं नहीं पीस पा रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ पीसे हैं। फिर स्वाद कुछ अलग ही आता है, थोड़ा सा नमक हम पीस लेते हैं। तो हम अपनी चटनी को पीस लेते हैं अच्छे से, सिर्फ पीसने से स्वाद ही अलग आता है चटनी का। आप मिक्स में पीसिए और सिर्फ पीसिए, तो देखिए स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमारी चटनी पीस चुकी है बड़ा पाव के लिए, अच्छे लगे आलू हमारे, आलू भी रेडी हो चुके हैं। अब चटनी भी रेडी है, अदरक मिसिंग है इसमें, हमारे पास नहीं है, आप डाल देंगे। तो हमारी चटनी पीस चुकी है, अब हम इसे पूछ लेते हैं कटोरी में। तो फ्रेंड्स हमारी चटनी पीस चुकी है इस तरह से,
मैं चटनी हो चुकी है रेडी, ठीक है क्रीम चटनी। अब हम छिलको धो कर देते हैं और फिर आलू छिलेंगे। देखिए चटनी क्या मस्त बनी, खुशबू मस्त आ रही है। तो हमने आलू अपने छील लिए हैं, देखिए अब हमने मैश करके आराम से अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं प्लेट बने हुए। जय श्री माँ काल। यहाँ आलू को मैश कर लेते हैं। तो ऑयल ज़्यादा डल गया लग रहा है ना, थोड़ा सा निकालेंगे। अरे कौन मार देगा, पढ़िया। तो हमारा जीरा हो चुका है, अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, अदरक लहसुन का अपने जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो। अब डालेंगे आलू मैश करो। थोड़ी सी फिर से नमक, थोड़ा सा फिर से क्या मस्त खुशबू आ रही है, वाओ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे स्टेशन का मस्त पड़ रहा है। तो अब हमारी स्टफिंग बनकर रेडी है। सॉरी तो हम ज़रा मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, तो हम ज़रा रेड मिर्ची उड़ाएंगे, रेड चिली सॉस मिर्ची। तो अब हमारी स्टफिंग तैयार है। तो हमने स्टफिंग को ठंडी होने देते हैं। तो हमारी स्टफिंग बनकर रेडी है, देखिए कमस्त कलर है। तो हम अपनी स्टफिंग को ठंडी करके फिर हम अपना बड़ा तैयार करते हैं, बड़ा तलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी स्टफिंग तो ठंडी हो सॉरी, पहले रख देते हैं ऑयल गर्म होने, जलाते हैं गैस। इस कड़ी में स्टफिंग तैयार करते हैं, उसी का रहेंगे बड़े तलने के लिए ऑयल गर्म होने। इतने हमारा तेल गर्म होता है, इतने हम अपने बड़े तैयार कर लेते हैं। देखिए क्या मस्त खुशबू भी और कलर क्या मस्त आया। देखिए
तो सबको बेसन में डिप करके हम अच्छे से तल लेंगे। अभी हमारा ऑयल गर्म हो गया है, फिर हम बेसन में डिप करके सबको फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। तो देखते हैं हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अभी नहीं हुआ है, थोड़ी गैस तेज कर देते हैं। तो हमने सारे बड़े बनकर रेडी हैं। हमने सारे बड़े बना लिए हैं, अब हमने बेसन में डिप करके देखिए हमारा घोल बेसन का, अब हम इसमें सब डिप करके तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम एक बड़ा लेते हैं और इसमें डिप करते हैं। ऑयल में डाल देते हैं, तो हम अपना बड़े अच्छे से बड़े सेफ्टी से पलटेंगे, जैसे हमारा बड़ा सेफ वो मत करना, हमसे नहीं आते बनाने, फिर हम ट्राई कर रहे हैं। फ्रेंड्स हमारे देखिए बड़े बनकर रेडी हैं, जैसे भी हैं यही हैं, बस हमसे नहीं बन पाए, तो हमने फिर भी कोशिश करी है बनाने की। तो देखिए तो ये हमारे बड़े हैं, अब हम पाव अपना तैयार करते हैं, उसको फ्राई मतलब वो करते हैं, सेक लेते हैं तवे पर, फिर हम बड़ा तैयार करते हैं। इधर हो रही है हमारी मिर्ची फ्राई, इधर हमारा बड़ा। अब हम तो हमने इधर अपना तवा रख दिया है, यह पाव हमारे पास, अब हम इसे सेकेंगे बटर से, ये हमारा चूना सा बटर, अब हम इसे सेकते हैं। दोनों पे बटर लगा के हम सेक लेते हैं। सेक बहुत अच्छा सेक है, तो हमारा पाव अच्छे से सेक चुका है। अब हम उसे पाव को अपने तैयार करते हैं, हम अपने पाव को नहीं देते प्लेट में, गर्मा गर्म गैस को ऑफ कर देते हैं। अब करते हैं ना पाव तैयार, तो यहाँ सब हमारा बड़ा बड़ा मिर्ची सब रखी है, तब हम अपना बड़ा तैयार करते हैं। तब हम अपने पाव को काटते हैं, और तेरी सॉरी गलती हो गई, यहाँ से अंदर से भी सेकना होता नहीं, सॉरी फ्रेंड्स। तो हम अभी अपना पाव को अंदर से भी सेक लेते हैं, बटन लगा के। तो हमारा पाव अच्छे से सिक चुका है, तो चलते हैं हम अपना पाव तैयार करते हैं। थोड़ी चटनी,
चटनी लग चुकी है, अब थोड़ी सी मीठी चटनी लगाते हैं। थोड़ा सा खट्टे मसाला, अब अपना बड़ा पाव। सॉरी, हमसे जैसा ही बना हमने बनाने की कोशिश करी। और मिर्ची, तो फ्रेंड्स हमारा बड़ा पाव बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी बड़ा पाव की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। तो हमारे छोटा पाव बड़ा पाव देखिए फ्रेंड्स, हमारा बड़ा पाव बनकर रेडी है। देखिए क्या मस्त बड़ा पाव बनकर रेडी है, एंड मिर्ची के साथ बड़ा पाव। देखिए क्या मस्त कलर आया है। तो हम आपको सर्व करके दिखाते हैं फिर आप। तो फ्रेंड्स वो रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। प्लीज़ हम आपके लिए ऐसी नई नई रेसिपी डालते रहेंगे। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड ब्लॉग में। बाय बाय, फिर शेयर। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी बड़ा पाव की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। रेडी है हमारी बड़ा पाव, कितना कूल है एकदम मस्त। देखिए कुछ हमारा ऐसे बड़ा पाव बने हैं, देखिए कितने डिलीशियस बड़ा पाव है हमारा। ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ एंजॉय कीजिए बड़ा पाव। क्या मस्त बने हैं देखिए।